we are doing exercise 15.1 and in last two lectures we have completed 13 questions. Now today we will start from question number 14. But before starting the question, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट टू क्वेश्चन हैं 14 एंड 15, दीज आर रिलेटेड टू द प्लेइंग कार्ड्स. तो पहले मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी. सो लेट अस स्टार्ट. प्लेइंग कार्ड्स, अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जिसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 52, डिजाइन या जिसे हम सूट्स बोल देते हैं, और इसमें सूट्स होते हैं फोर तरह के डिजाइन होते हैं, और हर एक डिजाइन के 13 कार्ड्स होते हैं, तभी 13 × 52 बन जाते हैं कार्ड. और अगर कलर वाइज देखें तो कार्ड्स में दो कलर्स होते हैं, और हर एक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं, तभी 26 × 2 52 कार्ड्स बन जाते हैं. मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है. वी आर हैविंग 52 टोटल कार्ड्स. हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं 52. कलर वाइज पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है. कलर एक तो ब्लैक होता है और एक होता है रेड. ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं और रेड कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं. अब हम बात करते हैं ब्लैक कलर की. ब्लैक कलर में जो दो सूट्स होते हैं उन दोनों का नाम है, जो दो डिजाइंस हैं, एक होता है स्पेड जो एक लीफ की फॉर्म में बना हुआ होता है, एंड सेकंड इज क्लब जो एक ट्री की तरह बना हुआ होता है. इसी तरह रेड कलर के भी दो सूट्स, दो डिजाइंस होते हैं, हॉट एंड डायमंड. अब इनमें, इन सभी में अगर हम बात करें डिजाइन वाइज, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं, हर्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं, और डायमंड के भी 13 कार्ड्स ही होते हैं. अब इन कार्ड्स में हमारे पास कुछ फेस कार्ड्स होते हैं जिन पे फेसेस बने हुए होते हैं. उनमें होता है जैक जिसे जे के साथ डिनोट करते हैं, किंग के साथ डिनोट किया जाता है, क्वीन क्यू के साथ, और एक एस होता है. ये फेस कार्ड नहीं होता, इसमें अल्फाबेट ए लिखा होता है, इसे हम इसलिए ए का नाम एस बोल देते हैं. तो अगर हम डिजाइन वाइज बात करें तो हर एक डिजाइन में एक जैक होता है. मीन्स स्पेड का भी एक जैक है, क्लब का भी एक जैक होगा, हर्ट का भी एक जैक होगा, और डायमंड का भी एक जैक. इसी तरह हर एक डिजाइन का एक एक किंग होता है, और हर एक डिजाइन की एक एक क्वीन होती है. और एस कार्ड की भी बात करें तो हर एक डिजाइन में एक एक एस कार्ड होता है. और बाकी हमारे पास बचते हैं नंबर कार्ड्स. और हर एक सूट के 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं. नंबर कार्ड्स मीन्स के इन कार्ड्स के ऊपर 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है. स्पेड के भी 2 से 10 तक होते हैं, क्लब के भी 2 to 10 होते हैं, हर्ट के भी 2 to 10 सूट्स नंबर कार्ड्स होते हैं, और डायमंड के भी 2 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे कार्ड्स में टोटल जैक, अगर हर एक डिजाइन का सिंगल जैक है, हमारे पास 4 डिजाइन हैं 4 सूट्स हैं, तो हर एक सूट का एक जैक है. दैट मीन्स टोटल 4 जैक्स हैं, जिसमें 2 ब्लैक कलर के हो गए, 2 रेड कलर के. किंग्स की बात करें, टोटल 4 किंग्स हैं क्योंकि 4 सूट्स हैं, और जिसमें 2 ब्लैक कलर के होते हैं किंग और 2 रेड कलर के. क्वींस की बात करें, हर एक सूट की एक क्वीन होती है, टोटल 4 सूट्स हैं, तो चारों का एक एक मिला के 4 क्वींस हैं, जिसमें 2 ब्लैक हैं, 2 रेड. और एस कार्ड की बात करें तो ओवरऑल 4 एस कार्ड्स होते हैं क्योंकि 4 सूट्स होते हैं, और उसमें भी 2 ब्लैक कलर के होते हैं, 2 रेड कलर के. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेइंग कार्ड्स. टोटल प्लेइंग कार्ड्स हैं 52, सूट्स 4, कलर 2 ब्लैक एंड रेड. हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं. कलर वाइज 26 कार्ड्स होते हैं. हर एक डिजाइन का सिंगल जैक होता है, सिंगल किंग, सिंगल क्वीन, सिंगल एस, और ओवरऑल 4 जैक हैं. पूरे कार्ड्स में 4 किंग्स हैं, 4 क्वींस हैं, 4 ही एसेस हैं. और कलर वाइज देखें तो 2 ब्लैक कलर के जैक हैं, 2 रेड के. किंग भी 2 ब्लैक कलर के, 2 रेड कलर के. क्वींस 2 ब्लैक कलर की, 2 रेड कलर की. और इसी तरह एस भी 2 ब्लैक कलर के और 2 रेड कलर. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हॉर्ट्स, अ स्पेड एंड द क्वीन ऑफ डायमंड्स. अब हम सब कुछ कार्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम इजिली इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं 52. अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. सो फर्स्ट पार्ट है कि किंग ऑफ रेड कलर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. अगर हम इन 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ किंग ऑफ रेड कलर.
मैं किंग ऑफ रेड कलर को अपना इवेंट ई मान के चल रही हूँ. लेट इवेंट ई इज नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर. रेड कलर के किंग हमारे पास कितने होते हैं? टू. रेड कलर में दो डिजाइंस हैं, हर एक डिजाइन का एक एक किंग होता है, तो हमारे पास ओवरऑल रेड कलर के दो किंग हैं. नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट मींस कि अगर हमने कोई कार्ड सिलेक्ट किया वो इन दोनों रेड किंग में से कोई भी हो सकता है. सो वी आर हैविंग टू फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 52. टोटल कार्ड्स आर 52. सो लेट अस डू द कटिंग. टू वन द टू, टू 26 द 52. सो हियर द प्रोबेबिलिटी इज 1/26. सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड. लेट अस कंसिडर द इवेंट ई, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स. हम इवेंट ई मान लेते हैं. ई में हमारे पास नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आ गए. हमें बताया कि हर एक डिजाइन में तीन फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन और क्वीन, किंग और क्वीन. और इसमें हमारे पास डिजाइन होते हैं, जो सूट्स होते हैं वो फोर होते हैं. हर एक के थ्री फेस कार्ड हैं, तो 4 × 3 टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स में. तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी के जो सिलेक्टिंग कार्ड है वो ये इनमें से कोई भी एक फेस कार्ड हो सकता है. दैट मीन ये 12 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास आ जाएगी 12/52. टोटल 52 है. सो 4 × 3 = 12, 4 × 13 द सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज 3/13. दिस इज आर आंसर. नाउ थर्ड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड. अब भी हमने फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन अब यहाँ पे कलर भी मेंशन है, रेड फेस कार्ड. रेड कलर में हमारे पास दो डिजाइंस होते हैं. एक बार चार्ट दिखा देती हूँ. रेड कलर में हमारे पास दो डिजाइन हैं, हार्ट एंड डायमंड, जिसमें जैक, किंग और क्वीन होते हैं हमारे पास. तो जैक हमारे पास हार्ट का भी एक है, डायमंड का भी एक. किंग हर्ट का भी एक है, डायमंड का भी एक. क्वीन हर्ट की भी एक है और डायमंड की भी एक. इट मीन हर एक डिजाइन के तीन तीन फेस कार्ड हैं, 3 हर्ट के और 3 ही डायमंड के. तो इट मीन्स के ओवरऑल रेड कलर के फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं पूरे कार्ड्स में? 6. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स हैं वो हैं 6. तो प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड की हमारे पास आ गई 6/52. सो 2 × 3 = 6, 226. सो प्रोबेबिलिटी इज 3/26. नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट. हार्ट डिजाइन का जैक. और हमें पता है हर एक डिजाइन का एक सिंगल जैक होता है. तो दैट मीन्स हम इवेंट मान लेते हैं, लेट ई बी द नंबर ऑफ जैक्स ऑफ हार्ट. और हार्ट में सिर्फ हमारे पास एक ही जैक है. तो दैट मीन्स के फेवरेबल आउटकम इस बार हमारे पास एक है आउट ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट इज 52. सो प्रोबेबिलिटी इज 1/52. नाउ फिफ्थ पार्ट इज स्पेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड के जो सिलेक्टिंग कार्ड है वो स्पेड होगा. अब यहाँ पे डिजाइन मीन्स सूट की बात की गई है, ना फेस कार्ड या नंबर कार्ड कुछ नहीं कहा गया. हम इवेंट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्पेड्स. हम पहले ये देखेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स में स्पेड्स के कितने बत्ते हैं. और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर एक डिजाइन के, हर एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं. तो दैट मीन्स स्पेड एक डिजाइन है, तो इसके भी ओवरऑल प्लेइंग कार्ड्स में 13 कार्ड्स हैं. तो जो भी हम कोई कार्ड स्पेड में से सिलेक्ट होगा वो इन 13 में से सिलेक्ट होगा. मतलब ये 13 स्पेड के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 13/52. सो 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52. 1/4 विल बी योर आंसर. एंड द लास्ट पार्ट इज क्वीन ऑफ डायमंड. अब डायमंड एक सूट है, हर एक सूट की एक ही क्वीन होती है. तो दैट मीन्स डायमंड की भी सिंगल क्वीन है 1. तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो गई फेवरेबल केसेस 1, टोटल केसेस 52. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/52. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स. वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? सेकंड केस, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? सो हियर द क्वेश्चन इज दैट 5 कार्ड्स, 52 में से 5 कार्ड सिलेक्ट कर लिए गए हैं. द 10
जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। फाइव के फाइव कार्ड्स डायमंड सूट के हैं, जिसमें एक टेन है जो नंबर कार्ड है, एक जैक है डायमंड का, क्वीन है डायमंड की, किंग और एस है डायमंड की। इन्हें ले लिया गया, अच्छी तरह शफल किया गया और इनके फेस डाउनवर्ड्स, मतलब इन्हें उल्टा करके रख दिया गया। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, फिर उनमें से एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया। फर्स्ट केस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, कि उन पांचों में से एक कार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड सिलेक्ट किया गया वो क्वीन होगी। और सेकंड केस में कहा गया है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो क्वीन हमने फर्स्ट केस में निकाली अगर उसे अलग कर दिया गया, साइड पे रख दिया गया, उन्हें उस क्वीन को दोबारा इन पांचों कार्ड्स में मिक्स नहीं किया गया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, उसके बाद जो सेकंड कार्ड हमने पिक किया वो एक एस होगा और एक क्वीन होगी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इस केस में हमारे पास टोटल फाइव कार्ड्स ही दिए गए हैं, 52 कार्ड्स यहाँ पे नहीं दिए गए। उन्होंने डेक ऑफ कार्ड में से फाइव कार्ड सिलेक्ट कर लिए, आगे उनमें से कार्ड्स को पिक किया गया जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमारे पास जो सिलेक्टेड कार्ड्स हैं उनमें से क्या क्या है, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है, पांचों के पांचों डायमंड सूट के हैं। तो वी आर हैविंग टोटल कार्ड्स 5, यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं 5। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने ई को मान लिया, नंबर ऑफ क्वींस। अब मेरे पास जब पांच कार्ड्स दिए गए हैं उनमें क्वींस कितनी है हमारे पास, ओनली 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वींस जो इन पांचों में है वो हमारे पास 1 है। सो अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालनी है। क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स। अब अगर क्वीन पांचों में से एक है तो वो एक ही सिलेक्ट होगी, सो वी आर हैविंग फेवरेबल आउटकम 1 आउट ऑफ टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 5 ओवर 5, दैट मीन्स क्वीन की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/5। नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हेन क्वीन इज पुट असाइड, मतलब ये जो क्वीन निकाली इसे अलग करके एक साइड पे रख दिया गया। अब जब हमारे पास पहले पांच कार्ड्स थे, जब हमने इसमें से ये क्वीन निकाल दी तो हमारे पास रह गए 1, 2, 3, 4, इट मीन्स सेकेंड केस में हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 4। अब इन फोर कार्ड में हमारे पास कौन कौन है, अब ये क्वीन हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, हमारे पास 10 है, जैक है, किंग है, एस है। तो इन चारों में से हमने फर्स्ट केस है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस की। अब इन चारों में नंबर ऑफ एसेस क्या है हमारे पास, ओनली 1, हमारे पास सिर्फ एक ही एस है, तो इट मीन्स के हमारे जो फेवरेबल केसेस एस के होंगे वो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमारी इसमें क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 1 आउट ऑफ, अब यहां पे टोटल कार्ड्स कितने बचे हमारे पास, 4, तो एस की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। नो सेकेंड बी पार्ट में इसमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो हम ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं कि सेकंड केस में हमने क्वीन को बाहर निकाल दिया, वो दोबारा हमने इन कार्ड्स में मिक्स नहीं की। अब अगर ये क्वीन हम बाहर निकाल चुके हैं तो ये जो हमारे पास फोर कार्ड्स बचे इनमें क्वीन कोई भी नहीं है, तो बी पार्ट में हमारे पास क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो दैट मीन्स अब इन चारों कार्ड्स में कोई भी क्वीन नहीं है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो गई, 0/4, दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। क्वेश्चन क्या है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं जो गलती से 132 गुड वंस में, मतलब गुड पेन जो नॉन डिफेक्टिव है उनमें मिक्स हो गए, मतलब गुड पेन्स जो है वो है 132 और डिफेक्टिव उनमें है, डिफेक्टिव जो है जो उनमें मिक्स हो गए 12 और मिक्स हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि पेन को देख के बताया जाए कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। वन पेन इज देन टेकन आउट फ्रॉम दिस लॉट, उस बैग में से फिर एक पेन को बाहर निकाला गया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन, क्या चांसेस हैं कि वो जो पेन बाहर निकाला गया दैट इज गुड वन नॉट डिफेक्टिव। सी गुड पेन्स दिए गए हैं 132, डिफेक्टिव पेन्स हैं 12, तो इन 132 पेन में वो डिफेक्टिव पेन्स मिक्स हो गए, तो दैट मीन उस लॉट में टोटल पेन्स कितने हो गए, दोनों को एड करके हमारे पास 144 पेन्स आ गए।
हम ई कंसीडर कर लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन. हम मान लेते हैं कि ई वो इवेंट है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब हम मान लेते हैं कि ई इवेंट हमने गुड वन को मान लिया कि जो पेन बाहर निकाला गया दैट इज गुड वन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब यहाँ पे ई इवेंट है हमारा गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी हमने गुड वन की निकालनी है. तो उसके अकॉर्डिंगली अब अगर गुड वन है तो वो इन 132 पेन में से कोई भी हो सकता है. तो दैट मीन्स कि ये 132 हमारे पास फेवरेबल केसेस है. सो गुड पेन के फेवरेबल केसेस है 132, और 132 आउट ऑफ कितने पेन्स, 144 आउट ऑफ 144 इन्हें निकाला जाएगा. ठीक है, गुड वन के लिए हमारे पास फेवरेबल केसेस हो गए 132, और टोटल केसेस हमारे पास है 144 जो स्लॉट में टोटल पेन्स है. सो हेयर 132/144, फर्स्ट आई हैव डन द कटिंग विथ 4 के साथ 132 को किया 33, देन 36, और 3 के साथ कर दिया 11/12. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन इज 11/12. दिस इज योर आंसर. 17 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव. फर्स्ट केस है 20 बल्ब्स का एक लॉट है, उन 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव हैं, एक बल्ब को रैंडमली उसमें से सिलेक्ट किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब सिलेक्ट किया गया वो डिफेक्टिव है. पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, देन वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट. टोटल बल्ब्स इन द लॉट आर 20, जिनमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव. तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 20 में से 4 निकाल देते हैं, 16 नॉन डिफेक्टिव है. फर्स्ट केस में है कि एक बल्ब उनमें से सिलेक्ट किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव. तो हमारे पास फर्स्ट केस में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, उसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. अब हमारे पास फेवरेबल मतलब डिफेक्टिव बल्ब है, डिफेक्टिव हमारे पास है 4, तो अगर हम बल्ब सिलेक्ट करते हैं वो इन चारों में से कोई भी होगा, दैट मीन्स फेवरेबल केसेस है हमारे पास 4 आउट ऑफ टोटल हमारे पास कितने उस लॉट में, 20. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 1/5. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड केस इज, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव, कि जो फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब दैट वॉज गुड वन. तो हमारे पास 4 डिफेक्टिव थे, 16 गुड वन थे, मतलब जो बल्ब फर्स्ट केस में निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, वो जो 16 अच्छे वाले बल्ब थे उनमें से निकाला गया, एंड नॉट रिप्लेस्ड, और उसे बाद में बैग में दोबारा, नॉट रिप्लेस का मतलब बैग में दोबारा नहीं डाला गया, तो उसे बिल्कुल अलग करके रख दिया. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब जो बाकी बल्ब उस लॉट में बचे उनमें से एक और बल्ब निकाला गया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. अब उसके नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब फर्स्ट केस में टोटल बल्ब थे हमारे पास 20, अब एक बल्ब हम निकाल चुके हैं और वो भी नॉन डिफेक्टिव था. हमारे पास क्या है, बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इन फर्स्ट केस इज नॉन डिफेक्टिव, मतलब जो बल्ब ड्रॉ किया वो नॉन डिफेक्टिव था, अच्छे वाला बल्ब था, एंड नॉट रिप्लेस्ड, और उसे दोबारा बैग में नहीं डाला गया. तो अब एक बल्ब मतलब उस बैग में से हम निकाल चुके हैं, तो इट मीन्स पहले उस बैग में टोटल बल्ब थे 20, अब एक हम निकाल चुके हैं, तो उस बल्ब में इस वक्त हमारे पास 19, उस लॉट में 19 बल्ब हैं, जिनमें से डिफेक्टिव 4 ही हैं, क्योंकि जो फर्स्ट केस में बल्ब निकाला वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब डिफेक्टिव उतने के उतने ही हैं, वो जो बल्ब निकाला वो नॉन डिफेक्टिव था. तो फर्स्ट केस में नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे हमारे पास 16, अब एक बल्ब निकाल चुके हैं जो नॉन डिफेक्टिव था, तो हमारे पास वो एक बल्ब जो हमने निकाल दिया, तो हमारे पास इस वक्त नॉन डिफेक्टिव स्लॉट में कितने हैं, 15. अब प्रोबेबिलिटी भी हमने निकालनी है नॉन डिफेक्टिव बल्ब की, तो वो सेम ही है फॉर्मूला, नेम ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. अब यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स नॉन डिफेक्टिव बल्ब के कितने बचे, 15. तो हमारे पास क्योंकि जो बल्ब हम सिलेक्ट करेंगे वो 15 में से कोई भी हो सकता है, सो फेवरेबल आउटकम्स आर 15, और टोटल इस केस में हमारे पास है 19, क्योंकि एक बल्ब हम फर्स्ट केस में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो पहले 20 थे, एक कम हो गया, तो वो हमारे पास आ जाएगा 19. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज 15/19. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क
which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears number 1 a 2-digit number, number 2 a perfect square number, and number 3 a number divisible by 5. What is the question? कि एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क्स हैं और उनकी नंबरिंग की गई है 1 से लेके 90 तक, मतलब हर एक डिस्क के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह 1 टू 90 तक नंबरिंग की गई है. इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उस बॉक्स में से एक डिस्क निकाली जाती है तो हमने प्रॉबेबिलिटी इन तीनों केसेस की फाइंड करनी है. फर्स्ट केस है 2-digit नंबर, तो फर्स्ट केस के क्या प्रॉबेबिलिटी है कि जो डिस्क उसमें से निकाली गई उसके ऊपर एक 2-digit नंबर लिखा है. लेट अस स्टार्ट. सो वी आर हैविंग, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस क्रिएट कर लिया है, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 88, 89 एंड 90, मतलब 90 तक नंबर्स हैं हमारे पास पूरे सेट में. टोटल डिस्क हमारे पास है 90. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो फर्स्ट केस है हमारे पास 2-digit नंबर. सो 2-digit नंबर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर 90 तक 2-digit वाले कितने नंबर्स हैं. अगर हम काउंटिंग शुरू से देखें तो 1 से लेके 9 तक हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर्स है. 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट है, इट मीन 10 से हमारे 2-digit वाले नंबर शुरू हो जाते हैं. तो इट मीन्स 1 से लेके 90 के बीच जो 2-digit वाले नंबर्स है वो कितने हैं, 90 में से पहले 9 जो सिंगल डिजिट नंबर है वो हम माइनस कर देंगे, 81. सो वी आर हैविंग 81 2-digit नंबर्स. सो प्रोबेबिलिटी, so we have to find probability of a 2-digit number. 2-digit number की probability हमारे पास क्या हो गई, फेवरेबल, मतलब वो जो 2-digit number सिलेक्ट हो वो इन 81 नंबर में से कोई भी हो सकता है. तो 81 हमारे पास फेवरेबल केसेस है ओवर टोटल कितने हैं, और 81 में से हम कोई भी एक को नंबर सिलेक्ट करेंगे, और टोटल आउटकम्स हमारे इस केस में दिए गए हैं 90. सो 9 9 द 81, 9 10 द 90. सो 2-digit नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 9/10. नाउ सेकंड पार्ट इज अ परफेक्ट स्केयर नंबर. परफेक्ट स्केयर नंबर कौन से होते हैं, जिनका स्केयर रूट निकाला जा सकता है, या हम ये बोल सकते हैं जो किसी दूसरे नंबर का स्केयर करके बने हैं. तो 1 से 90 वाले परफेक्ट स्केयर नंबर हम ढूंढ लेते हैं, उसके लिए बेटर है हम 1 से स्केयर करना शुरू कर देते हैं. 1 स्केयर इज इक्वल टू 1, 2 स्केयर 4, 3 स्केयर हो गया 9, 4 स्केयर 16, 5 स्केयर 25, 6 स्केयर 36, 7 स्केयर 49, 8 स्केयर 64, 9 स्केयर 81, और 10 स्केयर हमारे पास हो जाएगा 100, जो कि 90 से बड़ा है, मतलब ये तो हम कंसीडर करेंगे नहीं. हमारे पास दैट मीन ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81, ऑल दीज आर परफेक्ट स्केयर नंबर्स. तो हमारे पास 1 से लेके 90 के बीच कितने परफेक्ट स्केयर नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 परफेक्ट स्केयर नंबर्स आर देयर. ये वो नंबर्स हैं जिनके स्केयर रूट एग्जैक्टली निकाले जा सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्केयर नंबर इज फेवरेबल केसेस. अब वो जो एक परफेक्ट स्केयर नंबर वो इन 9 में से कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है, मतलब परफेक्ट स्केयर नंबर को सिलेक्ट करने के लिए 9 ऑप्शंस हैं. सो फेवरेबल केसेस आर 9, और टोटल हमारे पास कितने दिए गए हैं, 90. सो लेट अस डू द कटिंग, 9 1 द 9, 9 10 द 90. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्केयर नंबर इज 1/10. नाउ थर्ड पार्ट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5. कि जो नंबर सेलेक्ट किया गया है 1 से लेके 90 के बीच, जो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है. डिविजिबल बाय 5 कौन सा नंबर होगा, जो 5 का मल्टीपल होगा, मतलब जो नंबर 5 के टेबल पे आता है. तो हम 5 के टेबल के अकॉर्डिंगली चलते हैं. पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 10, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. इसमें नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 90 तक के नंबर्स दिए गए हैं. तो इट मीन्स 5 के साथ जो डिविजिबल नंबर्स हैं वो कितने हो गए हमारे पास, 5 का टेबल हम 18 तक बोलेंगे. सो यानी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. मतलब 18 ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेकर 90 के बीच जो 5 के साथ डिविजिबल हैं. तो हमारे यहाँ पे फेवरेबल केसेस जो आ गए वो कितने आ गए, 18. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब कि जो नंबर सिलेक्ट किया है वो 5 के साथ डिविजिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई,
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वो 18 है, क्योंकि वो 1 से लेकर 90 के बीच इन 18 नंबर में से कोई भी हो सकता है. सो वी आर हैविंग 18 ऑप्शंस. सो 18 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 90, टोटल नंबर्स है 90. नाउ अब 18 के टेबल पे 18 वन द 18, 18 फाइव द 90. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर सिलेक्टेड डिविजिबल 5 इज 1/5. नंबर 19, ए चाइल्ड हैज अ डाई हूज सिक्स फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो. एक चाइल्ड है जिसके पास एक स्पेशल डाई है जिसके सिक्स फेसेस पे लेटर्स लिखे हुए हैं. और लेटर्स कैसे हैं? ए बी सी डी ई एंड ए, जिसमें से दो फेसेस पे ए लिखा हुआ है, बाकी पे डिफरेंट लेटर्स हैं. द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई को एक बार फेंका गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 ए, नंबर 2 डी? क्या चांसेस है ए के? हमने ए की अपीयरिंग के प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और डी की अपीयरेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. नाउ लेट अस स्टार्ट. सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ सैम्पल स्पेस. मैंने जो उसके सिक्स फेसेस हैं उनकी एक सैम्पल स्पेस क्रिएट कर ली है और उस पे लेटर्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई एंड ई. तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने फेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल आउटकम्स आर 6. तो फर्स्ट केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने फाइंड करनी है कि अगर हम इस डाई को एक बार फेंकते हैं तो क्या चांसेस है कि उस पे ए अपीयर होगा. अब इस पूरे सैंपल स्पेस में ए हमारा दो बार आता है, तो दैट मीन्स कि अगर हम डाई को एक बार थ्रो करते हैं जिस साइड पे ये लिखा गया या जिस फेस पे ये लिखा गया, कोई भी फेस सामने आ सकता है. तो इट मीन्स ए की अपीयरेंस के हमारे पास दो चांसेस हैं. सो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए इज 2 और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 6/6. सो 2 1 2 3 द, इट मीन्स ए की अपीयरेंस की प्रॉबिबिलिटी हमारे पास है 1/3. नाउ बी पार्ट इज इट्स सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी. अब डी की अपीयरेंस के क्या चांसेस हैं? अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करनी है. अब हम दोबारा फेसेस को देखते हैं. हमारे फेसेस में डी का डी सिर्फ एक सिंगल फेस पे लिखा है और अगर हम उस विडो डाई को थ्रो करते हैं तो डी की अपीयरेंस के चांसेस कितने होंगे? ओनली 1, क्योंकि एक ही फेस पे है डी, तो ओनली 1 चांसेस देयर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज 1, दैट इज फेवरेबल केस ओवर 6. सो दिस इज अ probability of appearance of D. So okay students, it is enough for today's lecture. Next question we will continue in the next lecture. In case of any doubt, you can ask me anytime in my comment box. Okay, and have a nice day.